बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्वाति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके आंसर को लेकर के, जो कि है बीएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए और सब्जेक्ट है हमारा कंटेम्पररी इंडिया एंड एजुकेशन यानी समकालीन भारत एवं शिक्षा। तो यहाँ पर हम इस सब्जेक्ट से यूनिट फर्स्ट सेकेंड और थर्ड से यूनिट फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ से मिक्सअप क्वेश्चन और उनके आंसर को लेकर के बात कर चुके हैं प्रीवियस कई सारे वीडियोस में, यानी इसके पार्ट तीन अपलोड हो चुके हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें इस सब्जेक्ट की, तो इस सब्जेक्ट में जो आपके संभावित प्रश्न पूछे जा सकते हैं उनको इंक्लूड किया गया है, साथ ही न्यू क्वेश्चन पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन को रखा गया है। दोस्तों आप सभी को ज्ञात है कि 30 जून 2022 को लखनऊ विश्वविद्यालय बीएड फोर्थ सेमेस्टर को जो एग्ज़ाम है उसका डेट शीट आ गई है, कंडक्ट कराया जाएगा। तो यहाँ पर हम इस पेपर को ध्यान में रखते हुए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं उन्हीं को हम रख रहे हैं। अगर अभी आपने तैयारी नहीं शुरू की है या कुछ भी तैयार नहीं है, तो जो भी लॉन्ग क्वेश्चन बताए जा रहे हैं आप इन्हें तैयार कर लीजिए। तो यहाँ पर आज का यह लास्ट वीडियो होगा और आपके लॉन्ग क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे पूरी तरीके से। लेकिन इसके साथ ही हमारा 29 जून को भी एक वीडियो आएगा जिसमें 12 से 15 शॉर्ट क्वेश्चंस, जो शॉर्ट नोट्स टाइप के क्वेश्चन होते हैं उनको भी मैंने इंक्लूड कर दिया है। इनके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही आप ध्यान में रखिएगा। लॉन्ग क्वेश्चन सबसे पहले तैयार करिएगा अगर टाइम बिल्कुल आपके पास नहीं बचा, और अगर थोड़ा बहुत बचता है तो जो शॉर्ट क्वेश्चंस बताए जाएंगे उन्हें भी आप एक नज़र देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, प्रीवियस कई सारे वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 लाइन से आप देख पा रहे हैं 7, 8, 9, 10, 11 ठीक है। आगे हमारे और भी क्वेश्चन हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 12 नंबरिंग थोड़ा गलत हो गई है, 13, 14, 15, 16 ठीक है। आगे है 17, 18 तो यहाँ पर हम प्रीवियस वीडियो की अगर हम बात करें तो हमने प्रीवियस वीडियो में कहाँ तक की, हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 तक बात कर ली थी। टोटल क्वेश्चंस की संख्या 24 है, नंबरिंग थोड़ा डिसमैच हो गई है, आप परेशान मत होइएगा। तो आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 20 से शुरू करेंगे। तो प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन का आंसर इस पीडीएफ में रह गया था, इसलिए हम इसको कंप्लीट नहीं करा पाए थे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्या पूछा है कि भारत में अल्पसंख्यक तथा अनुसूचित जाति की शिक्षा हेतु संवैधानिक प्रावधानों की विस्तृत व्याख्या कीजिए, यानी डिस्कस इन डिटेल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ एजुकेशन फॉर माइनॉरिटीज एंड शेड्यूल कास्ट ग्रुप इन इंडिया। तो ये है आपका क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को आप कैसे लिखेंगे चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर, अल्पसंख्यक बालकों की शिक्षा के प्रावधान के बारे में पूछा है और अनुसूचित जाति की शिक्षा के बारे में। तो सबसे पहले हम अल्पसंख्यक बालकों की शिक्षा यानी एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटीज़ चिल्ड्रन के बारे में देख लेते हैं क्या कुछ प्रावधान है दिया है। भारत में विभिन्न संप्रदायों के लोग निवास करते हैं, धर्म और भाषा के आधार पर कुछ वर्गों को अल्पसंख्यक वर्ग घोषित कर दिया गया है। इनमें जैन, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध आदि आते हैं। इनमें से शिक्षा की दृष्टि से जैन बौद्ध पिछड़े हुए नहीं हैं, परंतु अल्पसंख्यक वर्गों को जो सुविधाएँ प्रदान की गई हैं वे सभी अल्पसंख्यकों को समान रूप से दी गई हैं। तो कौन कौन से हैं प्रावधान में, तो यहाँ पर जो धारा 29(2) है इसमें दिया है कि राज्य द्वारा संचालित अथवा सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षा संस्था में धर्म, प्रगति, जाति, भाषा के आधार पर या इनमें से किसी एक आधार पर किसी नागरिक को प्रवेश देने से इनकार नहीं किया जाएगा। ये बात कही गई है धारा 29(2) के अंतर्गत, ठीक है, ये प्रावधान किए गए हैं अल्पसंख्यक के लिए। दूसरी धारा 30(1) में कहा गया है कि सभी अल्पसंख्यकों को चाहे उनका आधार धर्म हो या भाषा अपनी पसंद की शिक्षा संस्था स्थापित करने तथा उनके प्रशासन का अधिकार होगा। धारा 30(2) की अगर बात करें तो इसमें दिया है कि राज्य शिक्षा संस्था को सहायता देते समय इस आधार पर भेदभाव नहीं रखेगा कि वह किसी अल्पसंख्यक की संस्था है, चाहे उसका आधार धर्म हो या भाषा, ठीक है, यही सारी चीज़ें कही गई हैं। लास्ट में कहा गया है कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए बनाई गई समिति ने सांप्रदायिक आधार पर अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों के प्रावधान को समाप्त कर मुस्लिम, भारतीय, ईसाइयों तथा अनुसूचित जाति के लिए 10 वर्ष तक केंद्र व प्रांतीय व्यवस्थापिक सभाओं में सीटों के आरक्षण की अनुशंसा की थी।
संविधान निर्माण सभा ने अल्पसंख्यक समिति के इस सुझाव को मान्यता देकर इसे जारी रखने का सुझाव दिया। ये सारी बातें इसमें कही गई हैं, आप देख पा रहे हैं। तो ये हो गए प्रावधान अगर हम बात करते हैं अल्पसंख्यक बालकों की शिक्षा को लेकर के। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं जो कि पूछा था अनुसूचित जाति तथा जनजाति के बालकों की शिक्षा क्या थी, तो इसके बारे में दिया है। इसमें दिया है कि भारत में अनुसूचित जाति और जनजाति की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 23% और 7% है। भारतीय संविधान में इनके सामाजिक आर्थिक और शैक्षिक हितों के प्रावधान किए गए हैं। जैसे अनुच्छेद 46 में यह व्यवस्था की गई है कि राज्य कमजोर वर्ग की शिक्षा तथा धर्म संबंधी हितों की विशेष सावधानी से उन्नति करेगा और सामाजिक अन्याय और शोषण से उनका संरक्षण करेगा। इस वर्ग के बालकों की शिक्षा के संबंध में सुझाव देने के लिए 1960 में यूएन डेबर की अध्यक्षता में समिति का एक गठन किया गया जिसे डेबर समिति भी कहते हैं। इस समिति ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बालकों की शिक्षा जो है निःशुल्क व्यवस्था की है, जिसमें पाठ्यपुस्तक निःशुल्क रहेगा, पठन सामग्री यूनिफॉर्म तथा दोपहर भोजन की व्यवस्था करने का आगे दिया सुझाव दिया। भारतीय शिक्षा आयोग ने इस वर्ग की शिक्षा पर भी सुझाव दिया तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में विशेष घोषणाएं की गई जिससे अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बालकों की शिक्षा की ओर ध्यान देना शुरू किया गया और इन बालकों की शिक्षा के लिए निःशुल्क एवं आवासीय स्कूलों की स्थापना होना प्रारंभ हो गया। तो दोस्तों यह था इस क्वेश्चन का आंसर। इन दोनों क्वेश्चन एक ही है, दो तरीके से पूछा है, अनुसूचित जाति के लिए प्रावधान और पिछड़ा जो वर्ग है या अल्पसंख्यक वर्ग है उसके बारे में पूछा था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर यहां पर ख़त्म होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, क्या कुछ अगला क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाता है कि माध्यमिक शिक्षा के विकास में मुदालियर आयोग के योगदान की विवेचना कीजिए, यानी डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ द मुदालियर कमीशन इन द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो इस क्वेश्चन के आंसर को हम देख लेते हैं कि इसे आप कैसे लिखेंगे। तो दोस्तों अगर हम बात करें माध्यमिक शिक्षा या मुदालियर आयोग के बारे में, तो यहाँ पर आप डिटेल में पढ़ पा रहे हैं कि सन 1948 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने सरकार को यह सुझाव दिया था कि उच्च शिक्षा का पुनर्गठन करने हेतु एक आयोग का गठन किया जाए जो उच्च शिक्षा के विषय में अपने सुझाव दे। जनवरी 1951 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने अपने सुझाव को पुनः दोहराया। बोर्ड के सुझाव को मानकर सरकार ने 23 सितंबर 1952 को माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया। इसके अध्यक्ष मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे जो विश्वविद्यालय आयोग के सदस्य भी रह चुके थे। इस आयोग के अध्यक्ष के नाम पर ही माध्यमिक शिक्षा आयोग को मुदालियर आयोग के नाम से जाना जाता था। 16 आगे क्वेश्चन में पूछा था कि इनके योगदान के बारे में कि क्या कुछ योगदान रहा है। ठीक है, तो योगदान में ये चीज़ें इनके उद्देश्य से हम योगदान के बारे में जान सकते हैं। जैसे सीधा सीधा आपके क्वेश्चन में योगदान जैसे आपकी बुक में ना दिया हो या कॉपी में ना दिया हो तो उद्देश्य या कार्य से भी इनके योगदान को आप लिख सकते हैं। तो योगदान में भारत की माध्यमिक शिक्षा के संगठन एवं प्रशासन का अध्यक्ष करके उनमें सुधार करने के लिए सुझाव देना, ये योगदान रहा है। अगला है कि माध्यमिक शिक्षा की पाठ्यचर्या शिक्षण स्तर एवं उद्देश्यों का अध्ययन करके उनमें सुधार के लिए सुझाव देना। अगला पॉइंट है कि माध्यमिक स्तर के शिक्षकों को के वेतन तथा सेवा दशाओं के विषय में सुझाव देना। अगला है पॉइंट हमारा कि माध्यमिक स्तर पर छात्र अनुशासनहीनता के कारण का पता लगाना है, उनमें सुधार के लिए सुझाव देना। अगला पॉइंट है कि माध्यमिक स्कूलों के विषय के संदर्भ में आवश्यक सुझाव देना। फिर है माध्यमिक स्तर की परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए सुझाव और माध्यमिक शिक्षा में व्याप्त समस्याओं का पता लगाकर उनमें सुधार के लिए सुझाव देना। तो दोस्तों ये इनके योगदान के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, इनके उद्देश्य ही इनके योगदान कंसीडर कर लिए जाएंगे, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम देख लेते हैं कि किस तरह से आप अगले क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 हमारा,
स्वतंत्र भारत में शिक्षण के माध्यम से समस्या को सुलझाने हेतु किए गए प्रयासों का वर्णन कीजिए, यानी डिस्क्राइब द एफर्ट्स मेड टू शॉर्ट आउट द प्रॉब्लम ऑफ द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन इंडिपेंडेंस इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो इसका आंसर काफ़ी बड़ा हो जाएगा, मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर समझा दूँगी। ठीक है, इसका आंसर मुझे सीधा सीधा कहीं नहीं मिला, इसलिए इसके क्वेश्चन के आंसर को लेकर के अगर हम बात करें तो इसमें पूछा है कि स्वतंत्र भारत में शिक्षण के माध्यम से समस्या को सुलझाने के लिए किए गए प्रयास, यानी कहने का अर्थ है कि स्वतंत्रता के पश्चात जो भी आयोग या नीतियाँ बनी उनके माध्यम से कैसे शिक्षा को सुधारा गया। तो इसमें आप सबसे पहले स्वतंत्रता के पश्चात की जो भी नीतियाँ रही, जैसे मुदालियर आयोग आया, ठीक है, 1954 में। उसके बाद अगर हम बात करें कोठारी आयोग की, तो कोठारी आयोग 1964 से 1966 आया, ठीक है। मुदालियर आया था 1952, मैंने गलत बता दिया, 1952 से 1953 के बीच में, थोड़ा यहाँ से मैं भूल गई थी, 1952-53 में तुम्हारा मतलब आपका मुदालियर आयोग आया। उसके बाद 1964 से 1966 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कोठारी आयोग आया, ये सारी नीतियाँ आई लाइन से। उसके बाद हमारा आया 1986 की शिक्षा नीति, 1992, इससे पहले 1986, ठीक है, 1968 ये पहली शिक्षा नीति थी अगर हम बात करें 1968 की। तो यहाँ पर फिर से एक बार देखेंगे, मुदालियर आया सबसे पहले, स्वतंत्रता के पश्चात की बात करें तो ये आया 52 और 53 में। उसके बाद हमारा कोठारी आयोग आया, ठीक है, अगर हम बात करें आयोग की तो कोठारी आयोग आया 1964 से 1966 के बीच में, ये आया कोठारी आयोग। उसके बाद की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 आई, उसके बाद अगली शिक्षा नीति आई 1986, फिर उसके बाद प्रोग्राम ऑफ एक्शन आया जो कि 1992 में था। उसके बाद आया हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, उसके बाद 2009 आया अगर हम बात करें नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की। तो इस क्वेश्चन में आप इतनी सारी डिटेल में चीज़ें लिखेंगे, ये चीज़ें आप अपने शब्दों में लिखेंगे कि किस तरह से जो शिक्षा है उसमें स्वतंत्र भारत में शिक्षण किस प्रकार से शिक्षा में सुधार करके चीज़ें जो हैं आई, ठीक है, ये चीज़ें आप इस क्वेश्चन के अंतर्गत लिखेंगे। तो थोड़ा लेंदी था लेकिन आप जैसे मैंने बताया आप बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पूछा है कि अध्यापक शिक्षा की समस्याओं के समाधान में NCTE की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो NCTE की भूमिका का वर्णन पूछा है, यानी डिस्क्राइब द रोल ऑफ NCTE इन डिटेल इन रिसॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ टीचर एजुकेशन। तो चलिए देख लेते हैं NCTE के बारे में। तो दोस्तों ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर कि शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का योगदान, यानी कंट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन इन द फील्ड ऑफ टीचर एजुकेशन। तो क्या कुछ है, चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। दिया है कि राष्ट्रीय शिक्षा परिषद ने आरंभ में अपना कार्य बहुत जोर शोर से प्रारंभ किया एवं अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से सभी शिक्षा संस्थाओं का निरीक्षण कराकर उन्हें मानदंड पूरा करने के उद्देश्य से नोटिस दे दिया एवं महत्वहीन संस्थाओं को बंद कर दिया। इसके परिणाम क्या थे कि सभी स्तर की शिक्षा संस्थाओं यानी सरकारी एवं गैर सरकारी की अधिसंरचना में सुधार होने लगा। अगला पॉइंट है कि सभी संस्थाओं में प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं की व्यवस्था होने लगी। अगला पॉइंट है कि संस्थाओं के पुस्तकालयों एवं स्तरीय पुस्तकें एवं संदर्भ ग्रंथ मंगाए जाने लगे। अगला पॉइंट है कि शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों की पूर्ति की जाने लगी। आगे भी कई सारी चीज़ें हैं इसके रिगार्डिंग, जैसे देख पा रहे हैं आप कि आगे दिया है कि परंतु कुछ समय के उपरांत ही इस परिषद में भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया जिसके कारण नियम बनाने वाली संस्था ही नियमों का उल्लंघन करने लगी। परिणाम स्वरूप देश में स्ववित्त पोषित शिक्षा संस्थाओं का जाल सा बिछ गया। वर्तमान में इसकी स्थिति यह इस प्रकार है। ठीक है, इसमें कई सारे पॉइंट हैं तो चलिए हम कुछ पॉइंटों पर नज़र डाल लेते हैं। जैसा कि सभी प्रकार की शिक्षा संस्थाओं के लिए मानदंड बहुत जटिल, कठोर एवं आकर्षक हैं, परंतु वर्तमान में इनका अनुपालन नाम मात्र
का भी नहीं हो रहा है, क्योंकि इस परिषद के अधिकतर लोगों की आंखों पर लालच की पट्टी बंधी है। इसके अलावा राजनीतिक दबाव भी अधिक हो गए हैं। दूसरा है कि वर्तमान में परिषद केंद्र एवं प्रांतीय सरकारों को शिक्षक शिक्षा के संबंध में सलाह देने के स्थान पर उन पर दिए गए निर्णयों का पालन कर रही। तो दोस्तों इस तरह से काफ़ी सारे पॉइंट हैं, पॉइंट 1 से 7 है, इसमें आप अपने अकॉर्डिंग जो है कोई भी पॉइंट इंक्लूड कर सकते हैं। आप वीडियो पॉज करके इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं, अगर आपके पास बुक वगैरह है तो वहाँ से भी ये चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। निष्कर्ष देख लेते हैं क्या निकला। इस प्रकार हम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि वोट की राजनीति के दबाव और भ्रष्टाचार की आंधी में NCTE अपने कर्तव्य का उचित प्रकार से पालन नहीं कर पा रही है। यही सारी चीज़ें नोट में कही गई हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल आप ऐसे इन चीज़ों को पढ़ करके लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 23 के बाद अगला क्वेश्चन आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 24 या 22 भी, यहाँ पर थोड़ा नंबरिंग सही हो गई है, आप देख पा रहे हैं 22 हो गया। निखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखी, यानी डिस्क्राइब इन ब्रीफली अबाउट द फॉलोइंग। तो राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षण संस्थान NIOS के बारे में और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और परीक्षण परिषद यानी NCERT के बारे में। तो NCERT के बारे में हम प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके थे, फिर भी यहाँ पर हम इसको देख लेंगे। बहरहाल हम यहाँ पर NIOS के बारे में देख लेते हैं। तो दोस्तों ये रहा NCERT के बारे में, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, जिसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो यह 1 सितंबर 1961 में जो है इसकी स्थापना की गई थी, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद की, ठीक है। इसके बारे में हम प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके थे। NIOS देख लेते हैं, तो राष्ट्र में ठीक है, यहाँ पर शायद छूट गया है वो PDF, तो NIOS को हम अगले वीडियो में कवर कर लेंगे, यहाँ पर PDF शायद छूट गया है उसका, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगर आप NIOS की बात करें या NIOS के बारे में जानना चाहते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा अगर हम यहाँ पर बात कर लें कि NIOS यानी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, इसकी बात करें तो इसके बारे में हम बात करें तो भारत सरकार जो है इन्होंने 18 नवंबर 1989 में इसकी स्थापना जो है नवंबर में की थी NIOS की। NIOS में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर सामान्य और शैक्षिक पाठ्यक्रमों के साथ साथ बहुत से व्यावसायिक जीवन संबंधी और शैक्षिक पाठ्यक्रम को भी रखा गया। NIOS के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कक्षा शिक्षण इसका कैसा रहा, ठीक है, और भी कई सारी चीज़ें हैं, तो उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे। यहाँ पर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो अगर हम बात करें संक्षिप्त टिप्पणियाँ, तो इसमें आपका NIOS रह गया है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23 पूछा है कि पर्यावरण असंतुलन के कारण क्या हैं, इनको दूर करने, इन समस्याओं को दूर करने के बारे में आपको बताना है, आवश्यकता बतानी है, इतनी सारी चीज़ें हो गई। पूछा है डिस्क्राइब द कॉसेस ऑफ इन्वायरमेंटल इम्बैलेंस, डिस्कस द नीड ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन टू सॉल्व द प्रॉब्लम रिलेटेड टू इन्वायरमेंट। तो ये है आपका क्वेश्चन, तो इसके बारे में आप सभी अपने आप से भी लिख सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन का थोड़ा सा आंसर हम देख लेंगे, इसे आप लिखेंगे कैसे। तो पर्यावरण असंतुलन के कारण की अगर हम बात करें तो यह एक बढ़ती जनसंख्या और दूसरी बढ़ती मानवीय आवश्यकता तथा उपभोग वृद्धि, इन दोनों का असर प्रकृति संसाधनों पर पड़ रहा है और उनकी वहनीय क्षमता लगातार कम हो रही है। पेड़ों के कटने, भूमि के खनन, जल के दुरुपयोग और वायुमंडल के प्रदूषण ने पर्यावरण को गंभीर बना दिया, यानी इनके लिए खतरा पैदा कर दिया है। तो दोस्तों अगर हम बात करें पर्यावरण असंतुलन की, तो आप सभी को पता है कि पर्यावरण में सभी गैसें जो हैं समान अनुपात में हैं, किसी प्रकार से अगर इनके अनुपात में परिवर्तन होता है तो वही असंतुलन का कारण बनता है। तो इस तरह से पर्यावरण के असंतुलन के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें मानव की जनसंख्या ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रही है तो मानव की आवश्यकताएँ भी बढ़ रही हैं, ठीक है, इसी कारण जो है असंतुलन जो है पर्यावरण का बढ़ता जा रहा है। कई कारण हो सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो दोस्तों इसे आप अपने आप से भी बना के लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछा है कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान यानी RMSA के उद्देश्यों को लिखिए, माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की चुनौतियों की विवेचना कीजिए।
तो इस क्वेश्चन का आंसर हम देख लेते हैं कि किस तरह से इसे आप लिखेंगे। तो यहाँ पर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के लक्ष्य और उद्देश्यों के बारे में दिया गया है, बिल्कुल आप ऐसे ही डिक्टो लिख सकते हैं इन चीज़ों को। तो इसमें कुछ पॉइंट हम पढ़ लेंगे और देख लेंगे कि इस योजना में 2005 से 6 में 52.26% की तुलना में अपने कार्यान्वयन के 5 वर्ष के भीतर किसी भी बस्ती से उपयुक्त दूरी पर एक माध्यमिक स्कूल उपलब्ध कराकर कक्षा 9 से 10 के लिए 75% का सफल या सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करने पर ध्यान दिया गया। अगला पॉइंट है कि सभी माध्यमिक स्कूलों का निर्धारित मानदंडों के अनुरूप बनाकर माध्यमिक स्तर पर दी जाए शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना। आगे भी पॉइंट दिया है कि लैंगिक, सामाजिक, आर्थिक तथा निःशक्तता बाधाएं हटाना। 4 है कि वर्ष 2017 अर्थात 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक माध्यमिक स्तर शिक्षा तक व्यापक पहुँचाना। वर्ष 2020 तक छात्रों को स्कूल में बनाए रखने में वृद्धि और उसका सर सुलभीकरण। ठीक है, इसी तरह से कई सारे पॉइंट इनके रिगार्डिंग दिए गए हैं, आप इन पॉइंटों को खुद से भी पढ़ सकते हैं। तो ये पॉइंट रहे, 14 पॉइंट्स हैं, इन्हें आप देख पा रहे हैं। लास्ट वाले पॉइंट हम देख लेंगे कि पर्वतीय एवं अन्य इलाकों में आवासीय स्कूलों का विकास करना, प्रभावशाली बौद्धिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिगम हेतु माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु प्रयास, इसी तरह से मुक्त विश्वविद्यालय सुविधा का विकास करना, कई सारे पॉइंट हैं, आप इन्हें देख पा रहे हैं। डिक्टो इस क्वेश्चन का आंसर आप बिल्कुल ऐसे ही लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, नंबरिंग थोड़ा इधर उधर हो गई थी, ये आपका 24 नंबर का क्वेश्चन है। दिया है कि केंद्र सरकार के विद्यालयों, राज्य सरकार के विद्यालयों में अंतर की विवेचना, यानी आपको केंद्र सरकार के जो भी विद्यालय उनके बारे में बताना है और राज्य सरकार के विद्यालयों के बारे में बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम देख लेते हैं। तो दोस्तों ये रहा केंद्र सरकार के स्वायत्त संस्थानों द्वारा संचालित स्कूल, यानी स्कूल्स रन बाय ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, इसमें दिया है कि एक स्वायत्त निकाय है यह, जिसके पास अपने स्वयं के कानून और आचार संहिता स्थापित करने का एकमात्र अधिकार और शक्ति है। अगर हम बात करते हैं केंद्रीय सरकार वाले स्कूलों की, ये संस्थाएं बाहरी दबाव से मुक्त होती हैं, इस प्रकार के स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। भारत में स्वायत्त निकायों को अपने स्वयं के कानून स्थापित करने की आज़ादी दी जाती है, लेकिन ऐसे कानून संविधान तथा भूमि के मौजूदा कानूनों के अनुसार होने चाहिए। आगे दिया है कि स्वायत्त संस्था तथा कॉलेज अपने दैनिक संचालन, पाठ्यक्रमों की पेशकश तथा प्रवेश प्रक्रिया पर स्वतंत्र नियंत्रण का प्रयोग करते हैं। वे उच्च शिक्षा विभाग जैसे MHRD के प्रशासनिक नियंत्रण में आते हैं। हालांकि स्वायत्त संस्थानों और स्वायत्त कॉलेजों के बीच थोड़ा सा अंतर है। इसी तरह से अन्य चीज़ें भी कही गई हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से कौन कौन से विद्यालयों को रखा गया है। तो ये है केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले विद्यालय, जिसमें पहला है KVS, दूसरा है NVS यानी नवोदय विद्यालय समिति, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जिसे आप CBSE कहते हैं, CTAS यानी केंद्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन, उसके बाद NCERT, NCTE और NIUS, लास्ट में राष्ट्रीय बल। तो ये सारे जो आएंगे ये केंद्रीय सरकार के अंतर्गत आते हैं या केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत ये सारे स्कूल आते हैं। उसके बाद राज्य सरकार की बात करें कि इसके अंतर्गत कौन कौन से स्कूल आते हैं। देखिए अंतर पूछा है तो दोनों के बारे में आप अलग अलग भी लिख सकते हैं या एक साथ इन्हें पढ़ करके अंतर छांट करके भी आप लिख सकते हैं। वैसे इन्हें आप अलग अलग लिख देंगे तो आपको लिखने में भी आसानी होगी। दिया है राज्य सरकार द्वारा संचालित विद्यालय, स्कूल रन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो इसमें दिया है कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार देश में बालकों की शिक्षा के लिए विद्यालय स्थापित करती है, उसी प्रकार से प्रांतों में शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य सरकार की मुख्य जिम्मेदारी होती है। राज्य सरकारें अपने दायित्व की पूर्ति विभिन्न मंत्रालयों की सहायता से करते हैं। इन विद्यालयों की संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है, जिसमें देखेंगे राजकीय प्राथमिक विद्यालय और दूसरा है राजकीय माध्यमिक विद्यालय, ये दो प्रकार से आते हैं। जिसमें दिया है कि कुछ राज्य सरकारें प्राथमिक शिक्षा का संपूर्ण उत्तरदायित्व अपने ऊपर लिए हैं और बालकों को शिक्षा प्रदान करने के लिए व्यापक स्तर पर प्राथमिक विद्यालयों को स्थापित किया है। इनमें बालकों या बालिकाओं की शिक्षा प्रदान की जाती है, जिसमें कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा को दिया जाता है। और माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत वही बात कही गई है, जिसमें अगर हम क्लास की बात करें तो 6 to 12 की क्लास के बच्चों को रखा जाता है। तो दोस्तों ये था इन दोनों में अंतर, आप बिल्कुल
इन्हें पढ़ करके ऐसे ही इन चीज़ों को लिख सकते हैं। तो ये थे 24 क्वेश्चंस जो कि आपके एग्ज़ाम में, आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। यानी क्वेश्चन तो आपके आएंगे 10, ठीक है, इसमें से आपको 5 ही अटैम्प्ट करने रहेंगे, लेकिन क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे ये मैंने बता दिया कि मैक्सिमम 24 क्वेश्चंस रखे थे मैंने। इसमें से भी मैं जो कल लास्ट वीडियो आएगा 12 ऐसे क्वेश्चंस बता दूंगी जिन्हें आप तैयार कर लीजिएगा, काफ़ी रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।